अच्छा करते हैं वो तो हंसे जा रहे होते हैं, बिना वजह हंस रहे होते हैं, हंस रहे हर बात पे हंस रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने आर्टिस्टों को बना दिया ना, आप देखे ना उन्होंने कपिल को कहाँ खड़ा कर दिया, ऐसे ही ना हंस हंस के, शाहरुख खान आया हंस के गिर गया, सलमान खान आया हंस के गिर गया। तो इस वजह से ना यहाँ पर हमारे सेलिब्रिटी आते हैं, बहुत से अच्छे भी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो आते हैं वो कहते हैं ये सवाल मत पूछना, ये मत पूछना, ये मजाक मत उड़ाना, ये मत करना। तो भाई करना क्या, हमारा तो काम है, हम तो यही करेंगे ना। बिल्कुल, लेकिन होता है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, और सबसे ज्यादा मुश्किल ये होता है कि अगर आपको बंदा कोई कुछ भी ना कहे, मतलब अगर आप उनके साथ मजाक कर रहे हैं और वो बिल्कुल चुप है, वो आपके पंच लाइन पे भी ना हंसे, तो मेरी बेगम वाला हिसाब है कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, कुछ बोल ही नहीं रही। ये तो बहुत नहीं, वो तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सामने वाले की तरफ ये तो साइलेंट ट्रीटमेंट, लेकिन ये फिर भी अच्छी बात है, मतलब समझे। लेकिन बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता अगर कोई आगे से बिल्कुल खामोश हो? बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर जब आपको जवाब ही नहीं मिलना तो आप कॉमेडी करेंगे क्या? आप कॉमेडी करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और ये जो सीरियस ड्रामे ढूंढ रहा हूँ, नहीं नहीं प्लीज ये ना, ये जुल्म हमारे साथ ना करें, प्लीज हम आपको पंच लाइन का मौका देंगे। अच्छा, वो बाकी शोज है जिसमें मौका दे, वो साल में एक दफा हम यहाँ आते हैं, अब ज्यादा आए करें ना, बस पैसे ना मांगा करें, तो पैसे ना मांगे। छोटी सी ब्रेक के टाइम, ब्रेक के बाद आपसे वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया शेफ इना ने, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, खैरियत से। सुन रही थी आप हमारी मजे मजे की बातें उस वक्त से, है ना? खास तौर पे जब उज़्मी साहब आया था तब जरा ज्यादा मजा आया, है ना? आ जाए प्लीज, आ जाए, ये इशारा इसी तरफ किया था हमने, है ना जी। अच्छा, हम बना रहे हैं आज क्या? आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, और जो बहुत जल्दी बनेगी, ज्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा आपको। और मैंगो आइसक्रीम बनाए, और इसी तरीके से चॉकलेट बनाए, इसी तरीके से आप वनीला बनाए, इसी तरीके से आप स्ट्रॉबेरी बनाए। ये फ्रूट चेंज करके आपको क्या लगता है, चूल्हे का क्या काम? चूल्हे का कोई काम नहीं है, ये डमी है, चूल्हे पे आइसक्रीम बनने इसके लिए, इसके बगैर वो हमारा टेबल आइसक्रीम होती है, तो यहां पे मिलती है, आपको लगता है सिर्फ वहां मिलती है, यहां हम सब कुछ मिलता है। हमने सन 2000 में नाइट में बनाई थी फ्राइड आइसक्रीम, उस वक्त बहुत कम चलता। अच्छा, उसमें होता है क्या? मैंने सुना है मिलती है, मैंने ये खाई नहीं है। उसमें तो एक चीज समझिए कि आपकी आइसक्रीम ठीक ठाक फ्रोजन होनी चाहिए। अच्छा, और सेकंड पे जो आप उसके लिए ऊपर जो वो पट्टी लगाते हैं, जिसको इजीली अगर आप मांडा पट्टी भी, पट्टी क्या होती है? मांडा पट्टी भी ढूंढ, हाँ जी, पट्टी क्या मतलब? मांडा जो मांडा पट्टी जिसमें आप स्प्रिंग रोल्स बनाते हैं, समोसा उसके साथ ही बन जाती है। अच्छा, वो उसके अंदर फ्राई होती है, उसके साथ भी फ्राई होती है, प्लस आप नहीं और उसके साथ आप दूसरा एक और भी तरीका फ्राई कर सकते हैं, आप क्रम्स लगा के फ्राई कर सकते हैं। नहीं, के साथ भी फ्राई होती है। आपका आपके जहन में आ रहा है कुछ मजे का? मेरे जहन में तो इस वक्त आ रहा है कि बस चेक मिल जाए बस। ये अपने मतलब की बात हर वक्त सोच रहे हैं, ये अपने मतलब की बात हर वक्त सोच रहे हैं, आपके मतलब की बात। देखे देखे देखे, अगर आपने जो अभी ब्रेक में मुझसे बातें की है ना, मुझे उससे लग रहा है, मेरी एक बात सुना, अगर आपको ना मिला ना तो किसी को नहीं पता चल रहा, मिल गया तो सबको मैं बता दूंगी। आप ब्रेक में इतनी अच्छी बातें कर रही थी, मैं तो हमेशा अच्छी बात करती हूं, पता क्या नहीं हुआ। गलत बात, देखिए जरा ये क्यों मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? सच बोलती है, सच में आइसक्रीम बताया। आजकल वैसे भी डिफेमेशन लॉयर्स की जो है ना अच्छी खासी रोजी रोजी लगेगी, तो मैं शायद नहीं चलूं। अच्छा जी, क्या करेंगे? चले, इसके लिए बहुत इजी सी चीजें हैं। एक तो आपको टेट्रा पैक की क्रीम चाहिए, ठीक हो गया। अगर आपने एक पैकेट लिया है तो मेरे पास ये दो पैकेट्स हैं, एक पैकेट भी ले सकते हैं आप, जितने आपकी फैमिली मेंबर्स उस लिहाज से। सेकेंडली आपको जो जरूरत पड़ेगा वो है कंडेंस मिल्क, ये कंडेंस मिल्क है, जितनी आपने क्रीम ली है, चूंकि ये मीठा होता है तो उसके लिहाज से मैंने ये एक ये वाला टिन होता है, मैं आपको उसका ब्रांड नहीं दिखा सकती इसलिए मैंने आपको उसको रैप किया हुआ है। ये एक टिन है तकरीबन 400 ग्राम था, 390 ग्राम का, ये आधा यूज हो जाता है इतनी क्रीम के अंदर, और बाकी आधा नेक्स्ट टाइम आप यूज कर लें। और इसके अलावा ये जो मैंगो प्यूरी है ये भी आपको इतनी ही चाहिए जितना आपका कंडेंस मिल्क है एक कप। अगर मैंगो अच्छे मीठे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि खट्टे हैं, हाँ जी, अगर खट्टे हैं तो थोड़ी सी शुगर डाल के इसको ग्राइंड कर लें। और आपको ये जो है ना रंग, ये ऑप्शनल है, ये ना डालें तो बहुत अच्छा है। अगर आपको चाहिए कि वो मार्केट वाला कलर चाहिए तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे मैं कलर्स के अगेंस्ट हूँ क्योंकि ये बच्चों के लिए अच्छे नहीं है, हम भी नहीं डालते। और इसको आपने इतना चलाना है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कि ये फ्लफी हो जाए, इतना चलाना है कि उठ जाए, सही फ्लफी हो जाए। उसके बाद हम ये जो कंडेंस मिल्क है ये इसके अंदर ऐड करेंगे, और साथ ही ये जो मैंगो ब्लेंड किए हुए ये ऐड करेंगे। अगर आप मैंगो की नहीं बना रहे, चॉकलेट बना रहे हैं, तो आपने कोको पाउडर 2 से 3 चम्मच लेने हैं, सिर्फ दो
सिर्फ पानी के साथ या आप मिल्क के साथ उसको आपने मिक्स करना है, उसको घोलने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है. इसके बाद जब आपने इसको किसी भी इस तरह के एयर टाइट बॉक्स में रखना है, या आपके पास आइसक्रीम्स के कोई बॉक्स पड़े हो या आपके पास कोई और छोटे से बॉक्स हो तो आप उसमें रख सकते हैं इसके अंदर. और इसको आपने फ्रीज करना है तकरीबन 4 घंटे 6 घंटे और उससे ज्यादा, क्योंकि अभी गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ है खराब. तो आपने अगर आप इसको पूरा एक दिन एक रात रखेंगे तो बहुत अच्छी जम जाएगी, वरना ये भी मतलब गर्मी दो दिन तो आराम से आप रखें. सब चीजें ना मिले तो 20 रुपए की खरीद के ले आए नहीं आप, आप हम घर में बनाए ऐसे ना क्या घर की बात अलग है. एक ब्रेक तो लीजिए आप, देखिए ये बहुत मजे की है, आपको बाहर वाली भूल जाएंगे आप. ये बनेगी भी अच्छी, जब तक आइसक्रीम बन रही है एक ब्रेक पे चलते हैं, लेकिन ये कोई लंबा ब्रेक नहीं है. इंशाल्लाह जिंदगी में ब्रेक आते हैं, प्रोग्रामों में ब्रेक आते हैं, और जब ब्रेक आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसके बाद कोई और अच्छा ब्रेक होने वाला है या ब्रेकअप होने वाला मिल रहे हैं. छोटी सी ज्यादा से ज्यादा बातें बता रहे, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं और मिलेंगे जरूर, कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे. अच्छा जी चम्मच चाहिए आपको, ये लें. एक चम्मच देते हैं. हम लोग आइसक्रीम हमारी तैयार हो चुकी है, हमने इसको फ्लफी कर लिया है. अब हमने क्या करना है मैं ये बता दूं कि आपने जब क्रीम को बीट करना है तो नीचे आपने बर्फ रखनी है ताकि ये क्रीम उठे. अगर नहीं रखेंगे बर्फ तो क्रीम नहीं उठेगी. फिर आपने शिकवा करना है कि हिना ने बताया था. अब ये क्रीम देखें ऐसे है कि ये इतनी बीट की आपने इतनी देर की ये इस तरह आ गई है. ठीक है, ये आपके सामने ही है. अभी इसमें कोई कुछ भी नहीं है, कोई जेलेटिन वगैरह नहीं है. अब ये जो कंडेंस मिल्क था ये सारा इसमें चला जाएगा. ठीक हो गया, जितना भी है ये ऑलरेडी मीठा होता है तो आपने इसके अंदर चीनी नहीं डालनी कोई क्रीम में. ये आपके 300 से 400 रुपए में क्रीम का आइसक्रीम बन जाएगी और ढेर सारी बन जाएगी जो आप मार्केट से इतना सा डब्बा लेते हैं जिसके नीचे भी कर्व होता है और आपको पता नहीं चलता. और ये मैंगो प्यूरी. ठीक हो गया. ठीक है, अच्छा मैंगो प्यूरी हमने कैसे बनाई? ये आम आपने लेने हैं, ग्राइंडर में ग्राइंड करें इसको. मैंने आपको पहले बताया कि तो मीठा आम है तो फिर चीनी डालने की जरूरत नहीं. अगर आपको लग रहा है कि आम थोड़ा खट्टा है फिर आप चीनी डाल दें. और अगर आप आम का मौसम नहीं, आप चॉकलेट बनाना है तो इस स्टेज के ऊपर कंडेंस मिल्क डालने के बाद जब क्रीम उठ जाए कंडेंस मिल्क डाला तो यहाँ पर आपने 2 से 3 चम्मच कोको पाउडर जो आपने दूध में घोल के थोड़े से 2 से 3 चम्मच दूध में घोल के वो डालना है, या आप चॉकलेट स्प्रेड भी थोड़ी सी डाल सकते हैं. और उसके बीच में अगर आपको चंक्स चाहिए चॉकलेट की तो फिर आपने चॉकलेट इस्तेमाल करनी है. इसको सिर्फ मैं 1 मिनट बीट करूंगी. ठीक है, और इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला फूड कलर. आप भी कोशिश करें कि आप फूड कलर का इस्तेमाल ना करें. ये बीट हो रहा है, बीट होने के बाद ये आइसक्रीम बन चुकी होगी. हमारा टाइम जो है वो खत्म होता जा रहा है. जाने से पहले मैं चाहूंगी कि एक अगर आप छोटी सी टिप, क्योंकि आप जो है इस तरह के सेमिनार्स भी देते हो जिसमें आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करते हो, तो ऐसी कोई एक टिप जो आप उन सब खवातीन को देना चाहें जो अपने बारे में ऐसा फील करती हैं कि शायद वो ठीक नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है. मैं जो एक बात कहना चाहूंगी वो ये है कि दूसरों को मौका ना दे कि वो आपको कुछ कह सकें. फॉर एग्जाम्पल यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि कोई आपको ये ना बता सके आप में ये खामी है या आप में ये कमी है. जब तक आप दूसरों को मौका देंगे तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट फीलिंग इनफीरियर. सो जस्ट फील कॉन्फिडेंट द वे यू आर. ठीक, तो फिर आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर है और जब तक आप कॉन्फिडेंट है कोई इंसान आपको कुछ जो है वो नहीं कह सकता. हम ये आपको दिखा देते हैं कि उस स्टेज के बाद जब आप फ्रीज कर लेंगे आइसक्रीम को तो आइसक्रीम कैसी बनेगी. ये आइसक्रीम जो है वो बन चुकी है, इसको हम सर्व कर रहे हैं. और उसमें जो कह रहे थे कि बाहर से आप 10 रुपए की आइसक्रीम लेकर आए, उनको हम ये खिलाएंगे और फिर वो हमें बताएंगे कि कैसी. अच्छा ये कैसी, आपने सोचना बस सही है इसके बारे में. सोचना नहीं, मैंने सोचा. अच्छा, और देखने में अच्छी लग रही है. वैसे आम तो मुझे पसंद है. अच्छा, अब ये नर्म इसलिए है क्योंकि मैंने ये काफी देर से सुबह से बाहर रखी हुई है हमारे पास. ठीक है, ट्रैवलिंग में भी काफी टाइम लग गया मुझे आने में. लेकिन जब आपने इसको रखना है 1 से 2 दिन रखने हैं और ये बहुत अच्छी सी जम जाएगी. हमारा टाइम बिल्कुल खत्म होता जा रहा है. थैंक यू सो मच
उज़्मी फॉर बीइंग हियर. आप जब भी आते हैं बहुत मजा आता है, बड़े मजे मजे की हमारी बातें होती हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह दोबारा जरूर मिलेंगे. इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे जी. थैंक यू सो मच नईम साहब फॉर बीइंग हियर. आपको हमेशा मैं लोगों को कहती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे मशवरे नईम साहब जो है हमें देते हैं, तो इनको दुआएं जरूर दिया करें हमेशा. ये एक सदका जारिया है, मुझे लगता है किसी को भी अच्छी बात बता देना. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. इतनी अच्छी आपकी जबरदस्त कैंपेन है, गुड लक. बहुत सारी दुआएं हैं मेरी आपके साथ. आई होप के लोगों को जो है ये बात समझ जाए कि खूबसूरती से ज्यादा इम्पोर्टेंट. और एक दफा फिर सुंदर से कहना चाहूंगा, सुंदर से मैं फिर आपके लिए कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसी जगह पे शो करना हर किसी के बस की बात नहीं है. ये आसान काम नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता. इससे पहले मैं फरह को भी बात कह चुका था और आपको भी बोलिए. और ये इसलिए नहीं बोला कि मैं शो में आया हूँ. हम मैं और बरकत अक्सर ये बात करते हैं कि इस स्टूडियो में इस जगह पे जहाँ पर आर्टिस्ट नहीं मिलते, जहाँ हल्ला गुल्ला नहीं होता, वहाँ इतना बोलना दो घंटे और अच्छा बोलना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है. ये आप करती हैं, आपको क्रेडिट जाता है, आपकी पूरी टीम को जाता है. और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के शोज करती रहें. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. दिस मींस अ लॉट. थैंक यू.